अभी दोस्तों आ चुका हूँ रावण की ससुराल मेरठ। दोस्तों मेरठ आ चुका हूँ, ये कैंट का चौराहा है जो कि यहाँ कैंट इलाका है उसका चौराहा है। और इस साइड थोड़ा दूर अगर चलेंगे तो यहाँ पर है गांधी पार्क, जो कि सारा आपको दिखाएंगे कैसा क्या है। और ये पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे किस तरीके से झरना बह रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भी दिखाते हैं यहाँ की थोड़ी बहुत चीज़ें कि कैंट इलाका में कैसा क्या होता है सिस्टम। दोस्तों कैंट इलाका जो होता है बहुत ही सुरक्षित इलाका होता है, जो कि कानूनी टाइप की होती हैं, बॉडीगार्ड वगैरह भी रहते हैं, गांव के तरीके नहीं होता। कैंट इलाके में पुलिस भी नहीं रहती है, ज़्यादातर सिपाही रहने जा रहा है। और ये झरना वगैरह आपने देख लिया, ये चौराहा है यहाँ का कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से चल रहे हैं गांधी पार्क। दोस्तों कैंट इलाके का जो नज़ारा है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है ज़्यादातर ऑफिस वाले ही लोग रहते हैं इसमें। और यहाँ पर गेट वेट वगैरह यहाँ पर हैं, और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। अभी दोस्तों आ चुका हूँ गांधी बाग, और ये देखिए पीछे की तरफ ये गेट दिख रहा होगा, और इसी से अंदर चलेंगे आप देखेंगे। और गेट के सामने देखिए यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, इस तरफ ये देख सकते हैं आप। अभी दोस्तों पार्क के अंदर आ चुका हूँ, और पार्क देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शांति वाली जगह है ये। और यहाँ पर देखिए गांधी जी, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर गांधी जी की वो बना हुआ है। और जगह की यहाँ पर भीड़ भड़क्कर ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये जगह बहुत ही शांति वाली है। और ये छोटे छोटे यहाँ पर ये देखिए ये पेड़ खड़े हैं काफ़ी। ये है कि इसमें 30 रुपए की यहाँ पर टिकट लगती है, दिन में अगर टाइम होता है तो यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। और अंदर चलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या है। चलिए अभी दोस्तों जहाँ पर आया हूँ वहाँ पर ये एक अलग प्रकार का गेट है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर खेलने कूदने की जगह है, जैसे यहाँ पर वॉलीबॉल का कुछ सामने लगा है, यानी उखड़ गया है पहले लगा था। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर खेल कूद का बच्चों वाला है, जो कि बच्चा आराम से खेलते हैं इसमें। तो इसी में चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या है। और यहाँ का कुछ इस तरीके से माहौल है, भीड़ भड़क्कर नहीं मिलेगी देखने को। और इधर और इस तरफ और इस तरफ पूरा रोड है, और यहाँ पर देखिए बैठने की पूरी जगह है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये यानी बच्चों की खेलने के लिए, बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर आराम से जिम वगैरह जो भी है यहाँ पर कर सकते हैं, ये देखिए। चलिए अब थोड़ी देर इसी में हम खेलते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं कैसा क्या है। चलिए चाहे जिंदगी है। गांधी जी की एक मूर्ति लगी हुई है और कुछ भी नहीं है। और जो भी यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लोग आते हैं वो लिफ्ट रिलेशनशिप में वाले आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए वो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये लोग आते हैं। और वैसे शांति की जगह है, घूमने वाली जगह है। और यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है कैसा क्या हुआ है यहाँ पर, वो यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है। और ये पत्थर के बने हुए हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन है, और इनको तो शायद मैं जानता हूँ। तो दोस्तों यहाँ का कुछ इस तरीके से नज़ारा है, और पीछे की तरफ ये देखिए। और यहाँ पर बोट का भी मज़ा ले सकते हैं सिर्फ 30 रुपए में। और ये देखिए पक्षी नहा रहा है,
और यहाँ पर छोटे छोटे काफी पक्षी हैं। तो भाई वीडियो ये यहीं से एंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वृक्ष ही वृक्ष लगे हुए हैं। तो ये वीडियो यहीं से एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।